हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ भाई, ये आवासीय विद्यालय है, इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं कक्षा 6 के। जहाँ मैं एक तरफ कहता हूँ कि ऐसे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो आपको फ्री में एजुकेशन देते हैं और बहुत ही उच्च लेवल की। जैसे अगर बात करें भाई सैनिक स्कूल, आपका मिलिट्री स्कूल, ये तो है ही, यहाँ पे तो चलो पैसे भी लगते हैं, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्याज्ञान और एक और स्कूल आपके सामने आ गया, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ। और इसमें फॉर्म निकले हुए हैं कक्षा 6 के लिए, इसमें फॉर्म निकले हुए हैं। तो मैं सारे प्रोसीजर बताऊंगा, लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म निकलने हैं, कैसे भरे जाने हैं, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य ये है कि जो बच्चे मांगे चले भाई, जिनकी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है, वो तो बच्चों के लिए तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ओके है, लेकिन जिन बच्चों की फाइनेंशियल, पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनके लिए ये बेहतरीन विद्यालय है। इनमें एजुकेशन भी एक क्लास की है, सरकारी हैं ये और आवासीय हैं, सब कुछ एकदम बेस्ट है। देखेंगे अभी हम, इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, जैसे नवोदय के रिजल्ट हर साल डालते हैं वो, तो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ भी एक इसी तरह का एक स्कूल है। और ये कहाँ पे है, ये देवगढ़ झारखंड में है। सारी चीज़ देखेंगे, कक्षा 6 के लिए एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन इन्फॉर्मेशन और एडमिशन प्रोसीजर। उसके बाद मैं आपको बता दूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्यों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपके बच्चे को एक ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिलवाना, आपकी उसमें मदद करना, ताकि सो दैट आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। 5-6 साल बच्चा एक हॉस्टल में टिक गया तो समझो कि उसका पूरा जो उसकी ग्रूमिंग है वो बेहतर हो जाएगी। और पता चला एक ऐसे स्कूल में चला गया जो अभी प्रैक्टिकल के खेल में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसे कि बना सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए। बना को मना कर दो अभी, और अभी देखो किसको, बना को तो क्या करना है, मना करना है, और अभी देखना है इसको। ये कौन सा है भाई, आपका रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, ये हैं जमे हुए, ठीक है, ये जमे हुए स्कूल है। आ जाओ भाई देख लो, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवगढ़ झारखंड में है। ये क्या है इसकी खास बात, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई से भरे जा रहे हैं, 1 जुलाई से इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्लियर, कब से भरे जा रहे हैं, 1 जुलाई से। ये बात तो यहां पे हो गई क्लियर। तो यहां पे देखो आप, ये लिखा 1 जुलाई, ठीक है। दूसरा क्या है, लास्ट डेट क्या है, 31 अक्टूबर, टाइम भी काफी दिया है। 800 रुपये में फॉर्म भरा जाएगा भाई, ठीक ठाक पैसे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसे ठीक ठाक ले रहे हैं, एजुकेशन अच्छी देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड 15 नवंबर को 2 फेज में एग्जाम होगा, 1 is written test, ऐसे नहीं है कि अपना बुला लिया, ठीक है भाई आ जाओ, 100 वाले भी, 120 वाले भी। एक है आपका रिटर्न टेस्ट और दूसरा है इंटरव्यू, और रिटर्न टेस्ट होगा आपका 17 दिसंबर। अब मैं सीधे सीधे कह दूं, 4-5 महीने बचे हुए हैं बस, ज़्यादा समय नहीं है, 5 महीने का समय है। और इंटरव्यू फिर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का बाद में कराया जाएगा। देखो भाई ये रहा, क्या क्या सिलेबस होगा, कहाँ कहाँ सेंटर होगा, असनसोल, छपरा, देवगढ़, इम्फाल, कोलकाता, रांची, सिलीगुड़ी, ये है भाई सेंटर, ठीक है। हालांकि कुछ और सेंटर भी मिल जाएंगे आपको। 3 घंटे का पेपर होगा, ड्यूरेशन मतलब सारा कुछ मिला के, लेकिन 3 घंटे में जो खास बात है वो क्या रहेगी, खास बात देखो, खास बात है ये, खास बात है आपकी ये, क्या क्या है भाई आपका, ये आपका जो मैथ्स और आईक्यू मतलब रीजनिंग वाला पोर्शन 40 मार्क्स के रहेंगे, बेसिक साइंस आएगी 20 की, इंग्लिश रहेगी 25 की, और वर्नाकुलर हिंदी और बंगाली जो आप चूज करोगे 2, और टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया 100, तो मेरिट जो लगेगी 100 मार्क्स से लगेगी, ठीक है। ये हो गया भाई, और क्या है भाई, सेकेंड फेज फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, रिटर्न विल अपीयर इन वाइवा वोस टेस्ट इंक्लूडेड शॉर्ट रिटर्न एग्जामिनेशन। हाँ ध्यान रखना भाई, ये कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि ठीक है चल दिए भाई उठा के मुंह उठा के, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये अच्छे स्कूल्स है, बहुत ही हाई क्वालिटी का बच्चा ले रहे हैं। देखिए एक शॉर्ट रिटर्न एग्जाम भी होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, और इंटरव्यू भी होगा। पहला फेज एक रिटर्न पास करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर एक मेन्स एग्जाम होगा, और उसके बाद विद्यापीठ में फिर उसको फाइनली उसको रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखो अब क्या है भाई, जनरल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पहले तो बच्चा आपका कौन सी क्लास में, 6 क्लास में लेने के लिए क्या है, वो कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, उसकी उम्र 10 से 11 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, उसकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया, पता चला ओवर एज बच्चा भी लिया, नहीं। दिसंबर 2023 को है सारी चीजें, ये सारी चीजें दिसंबर 2023 को है। मेडिकल टेस्ट भी होगा, सिलेबस
द सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लासेस कवर टॉपिक्स टॉट इन क्लास फिफ्थ एंड अबव अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कोर्स। ये कोई रामकृष्ण विद्यापीठ, ये मत समझो कि कोई संस्कृत का विद्यालय, सीबीएसई एनसीईआरटी का पैटर्न है पूरा, एनसीईआरटी और वही उसका पेपर लेगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर आर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, इसमें कोई आपको सैंपल पेपर नहीं, लेकिन एक सिलेबस दे दिया कि वर्नाकुलर नॉलेज ऑफ बेसिक दे दिया, इंस्ट्रक्शन फिर गार्जियन दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी। फी स्ट्रक्चर इनकी कोई ज़्यादा नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम ट्रस्ट इनको चलाता है, सरकार इनको चलाती है, इनमें कोई वो नहीं है। ये भाई इन्होंने दे दिया कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये पूरी चीज़ हो गई। एडमिट कार्ड 15 नवंबर से आने शुरू हो जाएंगे और ये भाई पूरा बात बन गया। बताओ अब बताओ, आपने जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखी, इससे अच्छा मिला कुछ आपको? है, सारी चीज़ें हैं, देखो वेबसाइट भी है इनकी, इनका पूरा इन्होंने कैंपस भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है, सारा बता रहे हैं कब पेपर लेगा। और मैं देखता हूँ आजकल क्या है, आजकल एक ऐसे स्कूल्स आ गए हैं जिनकी अब कि इसमें एडमिशन ले लो, उसमें एडमिशन ले लो, बच्चों भाई उनसे पता चला पैसे भी गए और करियर भी गया, दोनों चले गए। ये है ना स्कूल, इन स्कूल में लो ना, पहली प्रायोरिटी ये स्कूल होनी चाहिए, बाकी बाद में कुछ भी हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल आता है कि भाई जो ये एंट्रेंस है इसकी तैयारी भी तो होगी, तो आप हमारे जो हमारा चैनल है, जो हमारी अकेडमी है, हमारा प्लेटफॉर्म है, उसे दो तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक ऑनलाइन, एक क्या होगा भाई, एक होगा आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे करेंगे, देखो एक तैयारी होगी भाई आपकी ऑनलाइन और एक होगी आपकी ऑफलाइन तैयारी। तो देखो ऑनलाइन तैयारी में देखो क्या होगा, ऑनलाइन में होगा, मैं आपको एक नंबर लिख रहा हूँ, ये एजुकेटर है हमारे, ये आपको बताएंगे कैसे हम ऑनलाइन तैयारी कराते हैं। लाइव क्लास होती है भाई ऑनलाइन तैयारी में, आपके पास एक मोबाइल, एक लैपटॉप या टैबलेट या कुछ भी एक ऐसा गैजेट हो, वो घर से ही तैयारी होगी, बस आपके पास इंटरनेट का हल्का फुल्का कनेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर डेली लाइव क्लास कराई जाएंगी तब, ये और हमारे एजुकेटर आपको गाइड करेंगे। और दूसरा है हॉस्टल के थ्रू तैयारी, आप हमारी अकेडमी में आ जाइए, क्योंकि महासीजन चला हुआ है महाकुंभ प्रैक्टिस का, अभी मॉक टेस्ट नंबर 7 ही हुआ है। हॉस्टल में मैं नंबर लिख रहा हूँ 9528271121, ठीक है भाई, 27121, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका हॉस्टल के लिए। तो दोनों माध्यम अवेलेबल है, आप चाहे भाई हॉस्टल में रहकर तैयारी कर सकते हैं या लाइव तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन दोनों चीज़ें हैं। रिकॉर्डेड कोर्स भी हमारे बहुत उमदा तरह कोर्स है, वो भी सारा ऑनलाइन में आ जाएगा, वो हमारे एजुकेटर आपको गाइड कर देंगे प्रॉपर उसको कैसे अवेल करना है। मैं फिर कहता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, ये हमारे इनके लिए हॉस्टल बैच में अभ्यास बैच हमारा चलो हुआ, सिर्फ केवल इसमें अभ्यास होता है, थ्योरी वगैरह नहीं, ठीक है चलो ये कर लो वो कर लो इस तरह के नोट्स बना लो, उनसे नहीं होना कुछ भी, सिर्फ अभ्यास। क्योंकि हमारे हॉस्टल में आना तो अभ्यास के मकसद में आना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत होने वाली है, प्रैक्टिस बहुत होने वाली है और 100% रिजल्ट है। एक बात और बता दूं हमारे हॉस्टल की एक खास बात, हम लोग 5000 में से 100 बच्चों का 20 बच्चों का सिलेक्शन नहीं कराते, आउट ऑफ में से आउट। हमारे यहाँ इस बार बैच में 40 स्टूडेंट्स है, करंटली 40 स्टूडेंट्स का बैच है भाई, देखो बच्चों के एक लेवल भी होता है और 40 में से 40 सेलेक्ट होंगे, ये मैं बात आपको भी बता रहा हूँ, बाद में जब रिजल्ट आएगा उसको भी हम डिक्लेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, हमारा उद्देश्य है पेरेंट्स को सही रास्ता दिखाना, उनके बच्चे को एक ऐसे स्कूल में प्रवेश दिलवाना सो दैट वहाँ पे उनका करियर सुरक्षित हो और पैसे भी कम से कम खर्च हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।